नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि SGPT ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है और इस टेस्ट को करने से हमें क्या पता चलता है। तो दोस्तों, मेरा नाम CV सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं SGPT टेस्ट क्या होता है और इसको करने से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या पता चलता है, क्या बीमारी का, किस बीमारी का पता चलता है। तो दोस्तों, जो SGPT है, एक एंजाइम है जो पेशेंट के लीवर में पाया जाता है। इसको SGPT इन लीवर भी कहा जाता है। SGPT टेस्ट क्या होता है? यह टेस्ट से रक्त में इस एंजाइम की मात्रा पता चलती है। इसके साथ साथ इस टेस्ट के नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं? दोस्तों, इसका जो नॉर्मल वैल्यूज है 7 से 56 यूनिट प्रति लीटर। अगर ज़्यादा है तब भी आपको लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर फैटी है। इससे कम है तब भी आपको लीवर प्रॉब्लम रहेगी। SGPT का स्तर किन कारणों से बढ़ सकता है? आम तौर पर लीवर की बीमारियां जैसे अल्कोहलिक लीवर डिसीज, अगर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो लीवर में स्वेलिंग, लीवर इन्फेक्शन और भी कई एक बीमारियां लीवर में SGPT बढ़ने का लीवर का संकेत देते हैं कि आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। साथ साथ फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लीवर में स्वेलिंग, लीवर में और भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, तो इस टेस्ट से पता चल जाता है। कि इस टेस्ट को करने से पहले कोई सावधानी की आवश्यकता है या पहले कोई तैयारी करने की ज़रूरत है? तो दोस्तों नहीं, ये आप टेस्ट कभी भी करा सकते हैं। क्या इस एकमात्र टेस्ट से लीवर की बीमारी का पता चल सकता है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके साथ भी और भी अन्य टेस्ट होते हैं, किए जाते हैं, जैसे SGOT, GGT, बिलरुबिन टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सीरम प्रोटीन। दोस्तों अगर कोई लीवर इन्फेक्शन है, लीवर प्रॉब्लम है, लीवर में कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, तो इस टेस्ट के साथ साथ आपको SGOT, GGT, बिलरुबिन टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सीरम प्रोटीन, इतने टेस्टों से और भी आप कंफर्म क्लियर कर सकते हैं कि लीवर में कितना इन्फेक्शन है, कब से है लीवर स्वेलिंग है, कब से स्वेलिंग है, और भी कोई अन्य बीमारी लीवर में है, तो वो पूरा आपको क्लियर पता चल जाएगा इन टेस्टों के माध्यम से। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट के लिए एक रक्त का नमूना लिया जाता है, एक आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हेल्थ से रिलेटेड अदर बीमारियों के, तो ये जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसीज चलते रहते हैं। कभी किसी को फीवर हो गया, कभी लीवर इन्फेक्शन हो गया, कभी आपको अदर कोई बीमारी हो गई, तो ये थोड़ी थोड़ी शॉर्ट जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।